दोस्तों रामायण में हनुमान जी की वीरता की कहानी का जिक्र हर जगह मिलता है। इन्हें भगवान शिव का अंश अवतार और चिरंजीवी भी कहा गया है। एक ऐसी ही कथा भगवान श्री राम ने सृष्टि के अंत तक हनुमान जी को पृथ्वी पर सशरीर रहने का वरदान दिया था, लेकिन उड़ीसा भाषा की बिलंका रामायण में एक ऐसी कथा मिलती है जिसमें बताया गया है कि हनुमान जी की मृत्यु उनके जीवन काल में हो चुकी थी, लेकिन 6 महीने मृत्यु के बीच जाने के बाद वो फिर जीवित हो गए। वे तो कथा मिलती है कि एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी बिलंका राक्षस राज सह स्थिता के वध के लिए गए होते हैं, लेकिन कई दिनों तक जब प्रभु श्री रामचंद्र जी वापस नहीं लौटे तब माता सीता काफ़ी परेशान होती हैं और हनुमान जी को उनका पता लगाने के लिए भेजा जाता है। हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी की खोज में बिलंका पहुंचते हैं और वहां पर राक्षस राज की परेशानी देख के वो समझ जाते हैं कि उनके प्रभु बिलंका में ही हैं, लेकिन तमाम कोशिश करने के बाद भी प्रभु श्री रामचंद्र जी का पता नहीं चलता है। इसके बाद वो राजभवन से बाहर निकल कर नगर में श्री रामचंद्र जी को खोज के लिए निकल जाते हैं। उधर राक्षस राज ने बिलंका के द्वार पर एक ग्राम देवी को नियुक्त कर रखा था जो शत्रुओं को पहचान का उनका अंत कर देती थी। इसके अलावा उत्तर द्वार पर स्थित विष का एक सरोवर था, वहीं उत्तर के दक्षिण की ओर एक तालाब था। जब भी कोई व्यक्ति मित्र भाव से दुर्ग में प्रवेश करता तो उस सरोवर का जल उस व्यक्ति पीता तो वह आसानी से दुर्ग में प्रवेश कर लेता, लेकिन कोई व्यक्ति शत्रु भाव से प्रवेश करता और जल पान करता तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। वे तो कथा मिलती है कि जब हनुमान जी उत्तरी द्वार पर पहुंचे और राम जी के बारे में सोचने लगे तो उसी समय ग्राम देवी की भेंट पवन पुत्र से हुई। उन्होंने उसे पहचान लिया और कहा कि आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं। इसके बाद ग्राम देवी हनुमान जी गले में बैठ गई, जिससे हनुमान जी को गला सूखने लगा और उन्हें प्यास लगने लगी। पवन पुत्र जैसे ही जल पिया और जल ग्रहण करते ही उनके पूरा शरीर में विष फैल गया और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। काफ़ी दिन बीत गए और श्री रामचंद्र जी का कुछ पता नहीं चला और न ही हनुमान जी का। ऐसे में सभी देवताओं ने पवन पुत्र से पूछा कि आपका पुत्र कहाँ है। तब पवन देवी काफ़ी परेशान हो गए और ढूंढना शुरू कर दिया। जब हनुमान जी नहीं मिले तब बृहस्पति देव ने बताया कि हनुमान जी की तो बिलंका में मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद वायु देव बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और सृष्टि में वायु का संचार उन्होंने रोक दिया, जिससे कि प्राण संकट आ गया। ये स्थिति देखकर सभी देवताओं ने वायुदेव से कहा कि वो सभी मिलकर उनके पुत्र को जीवित कर देंगे, लेकिन वो अपना क्रोध शांत कर लें। इसके बाद कथा मिलती है कि सभी देवता बिलंका गए और अमृत वर्षा और संजीवनी मंत्र से हनुमान जी को पुनः जीवित कर दिया। इस तरह हनुमान जी 6 माह के बाद फिर से जीवित हो उठे। मैं तो यह कथा इंटरनेट पर डली हुई है, आप चाहें तो इस कथा को इंटरनेट के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। Oh,